तुलसी के जड़ में रख दे ये चीज, खुद चलकर आएगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और बड़ों को प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के जड़ में अगर आप ये चीजें रख देती हैं, माँ लक्ष्मी खुद चलकर आपके द्वार पर आएंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप जान जाए मैं कौन, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, वास्तु शास्त्र में कई सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको तुलसी के जड़ में अगर आप ये चीज़ें रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाएंगी। तो चलिए आज हम जानते हैं, तुलसी का पौधा बड़ा ही पवित्र पौधा माना गया है और इस तुलसी के पौधे की रोजाना पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की रोज पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। वहीं रोज शाम के समय अगर तुलसी के पौधे के पास अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में सदैव निवास करती है। यदि आपके काम में आ रही है रुकावटें, आपकी तरक्की में आ रही है रुकावटें, आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है तो एकादशी के दिन यह उपाय जरूर कर लें। इसे आप अगर करते हैं तो आपकी बंद किस्मत भी खुल जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एकादशी के दिन आपको आटा गूंथ करके एक दीपक बना लेना है। साफ आपको आटा गूंथना है, उसका आप एक दीपक बना लें। अब आपको तुलसी के पौधे के पास आपको इस दीपक में घी डाल करके आपको दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि आपको तुलसी के पौधे को छूना नहीं है। अब आपको दीपक जला करके आपको वहाँ रख देनी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप ये कार्य मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी तरक्की की राह में रुकावटें हैं, वो सभी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और फिर आपको तुलसी के जड़ में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रख देनी है। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा और आपकी सफलता में तेजी आएगी और आपके घर में धन दौलत बढ़ेगा। तीसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। कम से कम आपको 108 बार ये जाप करना है। फिर आपको तुलसी और भगवान विष्णु को अपनी मनोकामना बतानी है। इससे करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। एक बात का खास ख्याल रखिए, एकादशी के दिन आपको तुलसी को छूना नहीं है। आपको तुलसी पिंडा के पास आपको दिया रखना है, लेकिन तुलसी को छूना नहीं है।